Welcome in my class. Today I am teaching you accountancy, chapter number 4, journal entry. Today we will learn about new topic for journal entry, and this topic is interest on loan. Okay, there are two categories of loan. First one is borrowed from other person, and second one is lent loan. Okay, what is the meaning of borrowed loan? It means what? If अगर आपने किसी पर्सन से ओके लोन बोरो किया है, इट मीन सम अमाउंट आपने लिया है और उसके बिहाफ में आपको इंटरेस्ट पे करना है, दिस इज योर एक्सपेंस. ओके, एंड सेकेंड वन इज लेंट लोन, इट मीन्स आपने किसी को लोन दिया है तो उसके बिहाफ में आपको इंटरेस्ट रिसीव करना है. ओके, सो इंटरेस्ट रिसीव इज योर इनकम एंड पेड इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस. ओके, तो टू टाइप्स के लोन हमें यहाँ पे आज फाइंड करना है. सो जब भी बिजनेस को एडिशनल फाइनेंस की जरूरत है, एडिशनल अमाउंट की जरूरत है, तो वो क्या करता है, किसी पर्सन से अमाउंट क्या करता है, लेता है, दैट इज कॉल्ड लेंड बोरोड लोन. ओके, अब वो लोन बैंक के थ्रू भी हो सकता है, किसी फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू भी हो सकता है और अदर पर्सन भी. ठीक है, सेम लेंट लोन, इट मीन्स अगर बिजनेस के पास सरप्लस अमाउंट है तो एम्प्लॉय को या थर्ड पर्सन को जब वो प्रोवाइड करता है अमाउंट, दैट इज कॉल्ड लेंट लोन. ओके, नाउ हियर एग्जांपल अबाउट दिस टॉपिक. सो नाउ आई एम रीडिंग ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर दैट पास दिस जर्नल एंट्री. नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज, first of write journal entry for the following in the book of Pranam 2015 January 1st. A loan of rupees 15,000 at 14% is borrowed from Pawan for business. यहाँ पे क्या किया है, फॉर्म ने लोन बोरो किया है. ओके, एट अ दैट टाइम जब आप लोन बोरो करते हो उस टाइम हम क्या करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, हमारी इनकम होती है. According to rule of real, okay, what we receive, cash. So cash comes in the business. So cash account debit or credit क्या करेंगे? Loan always personal account, okay. So personal account का जो rule है वो इस पे apply करेंगे. Giver is always credited and receiver always debited. So here Pranav is a giver. So giver account credit. But यहाँ पे आपको 14% का loan है, ये भी आपको यहाँ पे शो करना है. वाई? हो सकता है बिजनेस में आपने वन लोन ये बोरो किया है और सेकंड लोन भी बोरो किया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने परसेंट का लोन है और इंटरेस्ट कैसे पे करना है. सो राइट डाउन हियर लाइक दिस, 2015 जनवरी 1st कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश कम्स इन द बिजनेस एंड टू 14% लोन ऑफ पवन अकाउंट. पवन से हमने बोरो किया है, सो पवन इज अ giver, so Pawan account credit 15,000. Write down here being received 14% loan from Pranav. Okay, clear. Now second entry is March 1st, a loan of rupees 18,000 at 18% is given lent to Pushkar. Lent it means हमारे पास surplus amount है और हमने किसी को amount दिया है. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. सो कैश अकाउंट क्रेडिट और रिसीवर कौन है, पुष्कर. ओके, रूल अप्लाइड पर्सनल. सो मार्च 1st लोन टू पुष्कर, अकाउंट टू कैश. ओके, पुष्कर इज अ रिसीवर, सो पुष्कर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. इधर भी आपको लिखना है 18% लोन टू पुष्कर. ओके, यहाँ पे आपको परसेंटेज भी शो करना है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट एंट्री इज जून 30 पेड इंटरेस्ट ऑफ 6 month ऑन लोन बोरोड फ्रॉम पवन. ओके, अब देखो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपने लोन बोरो किया था जनवरी 1st 15,000, उस पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है 6 month का. सो कैलकुलेट लाइक दिस, 14%, सो 15,000 into percentage 14 और 6 month का. ओके, सो 100
and divided by 12. So your answer is 1050. Okay? और लिखा है कि paid, it means यहाँ पे आपने loan borrow किया था, तो आपको interest pay करना है. So this is your expense, always expense account debited. Okay? So interest, non-interest account debit to कैसे, what goes out? Cash. So cash account credit. Clear? 1050. अगर आपको यहाँ 6 month का clear नहीं information provide करते, तो आप क्या करते? यहाँ पे direct 15,000 into 14 divided by 100, क्योंकि percentage इसलिए divided by 100. Clear? Okay. Now next transaction is August 31st from Pushkar. Interest on loan is received for 6 months. देखो यहाँ पे हमने interest क्या किया था? Pay किया था. So this is our expense. But इस केस में क्या है? Here we received interest. So this is our income. So what we received? Cash. So cash account debit to loan interest account credit. Okay, यहाँ पे loan interest account हमने debit किया था, क्योंकि हमारा expense है. Expense always debited and here credited. Why? Because this is our income. हमने lent loan. It means हमने किसी को loan दिया है और इस पे हमें वो interest pay कर रहा है. So this is our income. Cash account debit to loan interest account credit. यहाँ भी आपको ऐसे ही find out करना है. अमाउंट कितना है? 18,000. सो 18,000 इंटू 18% इंटू 6 month डिवाइडेड बाय 100 एंड 6 month है इसलिए 12 month यहाँ पे डिवाइड. सो योर आंसर इज 1620. क्लियर? फर्स्ट बोरो लोन, देन कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आप रिसीव कर रहे हो. ओके, नाउ टोटल 35,670. क्लियर? ओके, इसके बाद हमें आज दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट करना है एंड दिस इज टॉपिक इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? हमने चैप्टर 1 में ये कंप्लीट किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. ओके, जब भी हम बिजनेस करते हैं, तो जब सेल करते हैं, तो उस टाइम में सम स्मॉल अमाउंट हम क्या करते हैं, उसमें से डिडक्ट करके पर्सन को हम सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. और जब कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए या कस्टमर से कैश कलेक्ट करने के लिए इंस्टेंट कुछ डिस्काउंट पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ओके, तो यहाँ पे दोनों डिस्काउंट के अकॉर्डिंग हमें ट्रांजेक्शन पास करना है. बट ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज हम माइनस करते हैं बट बुक में नोट डाउन नहीं करते, और कैश डिस्काउंट हम क्या करते हैं, बुक में नोट डाउन भी करते हैं. ओके, सो दिस इज सम अबाउट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. सम इज व्हाट? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ महेंद्र संघवी. ओके, 2014 July 1st, गुड्स ऑफ 10,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम ट्रेडर्स. ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है 10,000 का और 10% डिस्काउंट फॉलो किया है. सो सी हियर, हियर अमाउंट इज 9,000, नॉट अ 10,000. व्हाई? बिकॉज 10,000 is amount and minus 10%. So 1,000 minus, so your final amount is 9,000. Clear? यहाँ पे इसलिए यहाँ amount क्या लिखा है हमने, 9,000. So your transaction is what? Journal entry. Here goods purchase. So purchase account debit to ना traders account credit. ठीक है, यहाँ पे नेम गिवन है इसलिए ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट. अगर नेम गिवन नहीं होता तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस. क्लियर? यहाँ पे 9,000 कैसे आया समझ में आ गया ना? 10,000 माइनस 10%, 10,000 में कितना होगा? 1,000. सो 10,000 में से माइनस 1,000 करेंगे तो टोटल अमाउंट 9,000. ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज July 5th, गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 सोल्ड टू गांधी ब्रदर्स ऑन कैश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. 5% कैश डिस्काउंट करना है. सो सी हियर, कैश अकाउंट डेबिट. बाय, यहाँ पे हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, सो व्हाट कम्स इन? कैश. सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. अमाउंट आपको गिवन है, उसमें से डिस्काउंट माइनस करके अपना आंसर आया 6,650. ओके, 5,000 आपको 5% आपको माइनस करना है. सो 7,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 100, सो
350 इसमें से माइनस करेंगे तो 6650 योर आंसर। ठीक है, तो माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो हम नोट डाउन करेंगे, 7000 नोट डाउन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जुलाई 8 गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेज फ्रॉम मंगलदास एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट इज मेड इन कैश। देखो यहाँ पे दो दो आपको डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, अमाउंट कितना है 12,000। ओके, फर्स्ट ऑफ माइनस रेट डिस्काउंट 10%, इट मीन 10% कितना होगा इसका 1200। ओके, 1200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10800। ओके, ऑलवेज कैश डिस्काउंट डिडक्ट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो फर्स्ट ऑफ माइनस करना है आपको ट्रेड डिस्काउंट, जो हम बुक में शो नहीं करेंगे, क्लियर। और उसके बाद कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट कितना है इसमें वो माइनस करेंगे तो 540। ओके, सो योर आंसर इज 10260। ठीक है, तो ये हम कैश डिस्काउंट यहाँ पे शो करेंगे। सो परचेज अकाउंट डेबिट 10,800 टू कैश अकाउंट, बिकॉज हियर वी आर परचेजिंग, सो कैश गोज आउट 10,260 एंड डिस्काउंट अकाउंट 540। ये हमारा कैश डिस्काउंट है, इसे हम ये शो कर रहे हैं, बट ट्रेड डिस्काउंट हमने शो नहीं किया है, डायरेक्ट हमने डिडक्ट कर दिया है, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स ऑफ ₹11,000 सोल्ड टू विरल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। ओके, सो हियर अगेन सेम, यहाँ पे सेल्स था, यहाँ पे परचेस था, तो यहाँ पे कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, बिजनेस से डिक्रीज हो रहा है, सो कैश अकाउंट क्रेडिट, इसकी अपोजिट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश कम्स इन बिजनेस। डिस्काउंट अकाउंट सेम आपको यही स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है, ये जो आपका 11,000 है, ओके, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करना है, देन 5% कैश डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट इज सेल अमाउंट इज, ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद का अमाउंट है 9,900। ओके, एंड दिस इज कैश डिस्काउंट, सो योर कैश, आपने कैश कितना रिसीव किया 9,405, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो आपको जी यहाँ पे हमने कैश जहाँ जहाँ है वहाँ कैश डिस्काउंट हमने शो किया है, नोट डाउन किया है, हमने जर्नल एंट्री में शो किया है, बट ट्रेड डिस्काउंट हमने शो नहीं किया, डायरेक्ट माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है, क्लियर। सो नाउ टोटल इट, ओके, दिस इज टोटल फॉर दिस एग्जाम्पल एंड दिस इज टोटल फॉर दिस एग्जाम्पल, क्लियर। आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, जर्नल एंट्री के लिए न्यू टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक अबाउट लोन एंड सेकेंड टॉपिक अबाउट डिस्काउंट। ओके, टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, ओनली माइनस करते हैं, और कैश डिस्काउंट या हम जर्नल एंट्री में शो करते हैं, ठीक है, और माइनस भी करते हैं, क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बाय एंड हैव अ नाइस डे।